संभल में समाजवादी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपना 93वां जन्मदिन अपने निजी आवास पर मनाया, जहां उन्होंने जन्मदिन के मौके पर देश में अमनो अमन और बकरीद त्योहार के साथ साथ आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी करी। समाजवादी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सिटी न्यूज से बात करते हुए बताया कि बड़ा अच्छा लग रहा है, सुबह से ही शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी ने उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी दी एवं देश के गृह मंत्री ने उनको फोन कर जन्मदिन की मुबारकबाद दी। सपा सांसद से ये पूरी खास बातचीत देखिए हमारे संवाददाता विनीत शर्मा के साथ। हम हैं समाजवादी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जी के पास। आज उनका जन्मदिन है। वो संभल की जनता के लिए और सभी के लिए जिन्होंने इनका जन्मदिन मनाया है, सभी ने इनको लेटर भेजे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, सबका धन्यवाद अदा करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे, आइए बात करते हैं जी। देखिए, जहाँ तक जन्मदिन यानी यौमे पैदाइश का ताल्लुक है, सियासी रस्म तो ये है कि उसमें केक काटा जाता है, समझिए ना, तो एक सियासी रस्म अदा हो जाती है कि साहब हमारा जन्मदिन है, हमने केक काट दिया। लेकिन मैंने उसको इस्लामी तरीके से मनाया है। मैंने यहाँ पर हाफिज मौलवी बुलवाए और उन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान खानी की और उसके बाद में दुआ मांगी मेरे लिए जन्म के दिन के तौर के, इन्हें अल्लाह ठीक रखे, जो उन्होंने अपने अल्फाज में कहे। लेकिन इस मौके पर मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी हालांकि अभी ईदुल अधा चल रहा है अभी, और उधर कावड़ियों का भी जुलूस भी निकल रहा है, ये दो त्यौहार हैं। त्यौहारों में हमें एक दूसरे के ऊपर कोई एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। भाई, मुसलमान अपना त्यौहार अपने तौर पर इस्लामी तरीके से मनाएं और हिंदू भाई के तरीके से अपना जो त्यौहार है, कंवड़ियों का इस बार त्यौहार है, वो उनको मनाएं, जो उनका रूट मुकर्र है उस रूट पर लेकर चले जाएं। संभल के अंदर अल्लाह का शुक्र एहसान है कि यहाँ अमन रहा और पुरान तरीके से लोगों ने कुर्बानियाँ की, कोई हमारे पास शिकायत इस किस्म की नहीं आई, उनके किसी को तकलीफ पहुँचाने की। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं हिंदू भाई भी अपने त्यौहार मनाएं और खुशी के साथ मनाएं, उसमें हमारी तरफ से कोई न शिकायत है न रुकावट है। हमारा तो मोहब्बत का पैगाम है, हम चाहते हैं हर हर घर में, हर हर आदमी के घर तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए और हमें मिलजुल कर देश को चलाने के लिए, देश की तरक्की के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, जैसी कि हमारी तारीख गवाह है कि हमेशा हिंदुस्तान मुख्तलिफ यानी मज़हब के लोगों का मुल्क है, लेकिन आपस में हमेशा मिलकर रहे हैं और आइंदा भी हमें ये अहद करना चाहिए कि हम मिलकर रहेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। सांसद जी, जिस तरीके से लोग आपके घर पे बधाई देने अभी तक लगातार आ रहे हैं, लोगों ने लेटर भी दिया है, ट्वीट भी करा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, राष्ट्रपति जी ने, सभी के लेटर आपके पास आ रहे हैं बार बार और लोग बधाई दे रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके आए हैं। सबसे पहले अमित शाह साहब का आया था, होम मिनिस्टर का, सुबह तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। पर इसी तरीके से जिनके लेटर भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी आया और के भी आए हैं, तो बहरहाल उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं बहरहाल उनसे चाहे मैसेज भेज कर भी शुक्रिया अदा करूंगा। वैसे ही आज मेरा यौम पैदाइश है, जन्मदिन है, बर्थडे है, लेकिन मैंने इस दिन को इस तरीके से मनाया कि मैं अल्लाह का, जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा मालिक है, जो हमारा राजिक है, रिस्क देने वाला है, सब कुछ चीज़ उसी के कब्जे में है, उसका शुक्र अदा करने के लिए कि आज मैं 93 साल पूरे हो गए, 94 साल का होने लगा जी। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है और शुक्र भी इस्लामी तरीके से अदा किया है, कुरान शरीफ पढ़वाया और सब
भाइयों ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तो हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, खताओं को माफ़ कर दे और हमें अच्छा काम करने की तौफीक दे। हम इस्लाम ने दो चीज़ों को मना किया है बहुत सख्ती से, एक तो ये है नफरत को मना किया है, नफरत नहीं करनी चाहिए किसी से, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हसद नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा आदमी हो जाए, किसी को कोई दौलत मिल जावे, कुछ और कोई चीज़ बड़ी चीज़ मिल जावे, तो हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, नफरत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें खुशी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने इस वक्त तक जो मेरी गलतियां हुई हैं, जो मैंने खताएं की हैं, हर इंसान से होती है, मुझसे भी खताएं रोज़ होती है, तो मैंने अपने अल्लाह से यही दुआ मांगी कि अल्लाह तुम मेरी उन खताओं को माफ़ कर दे और आइंदा अच्छे काम करने की और अच्छे काम करने की तौफीक दे। और हमारे सारे भाइयों को, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, वो भी सब मिलजुल कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को भाई समझें और भाई समझेंगे तो बहरहाल एक दूसरे का ख्याल भी आएगा, ख्याल भी रहेगा। तो आज यही मेरा बस यही मैसेज है आज के बर्थडे का, हम ही ने सारी दुनिया को दिया दरसे वफादारी, हम ही ने सारी दुनिया को दिया दरसे वफादारी और ताज्जुब है हम ही से बेवफाई की शिकायत। ये थे हमारे साथ समाजवादी सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान वर्क, वीडियो जर्नलिस्ट अनिल राजपूत के साथ सिटी न्यूज संभल विनीत शर्मा की रिपोर्ट।